हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनसाइन अल्फा टेक के आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट जो है SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप उसमें फिक्स डिपॉजिट को जो है खुलवाना चाहते हैं, एक नया अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप जानेंगे कि किस तरह से आपको जो है कितना अमाउंट पर कितना बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। तो अभी जो नया इंटरेस्ट रेट जो है फरवरी से चालू हुआ है और अभी तक वो लागू है, टिल अभी अक्टूबर है, अभी चल ही रहा है, आगे भी वो लागू रहेगा। इसमें क्या है कि आपको जो है एक स्पेशल FD मिलता है आपको, जो कि है 400 दिन वाला। यह है अमृत कलश के नाम से, अलग अलग जो है कहीं पर अमृत महोत्सव के अगल, अगर अलग बैंक में आपका अकाउंट है तो कहीं पर आपको अमृत महोत्सव के नाम से होगा, ठीक है, कहीं पर अमृत कलश के नाम से है, कहीं पर और किसी के नाम से अमृत कुछ और करके होगा। तो इसमें एक स्पेशल FD है जिसमें आपको जो है 7.1% का जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है ईयरली आपको मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीज़न है, यानी कि आपका जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर है, तो फिर आपको जो है 7.6% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आमतौर पर अगर आप वेबसाइट खोजिएगा तो वो मंथ या फिर ईयर में ही कैलकुलेट करते हैं, डेज में कैलकुलेट नहीं करते। बहुत सारे वेबसाइट जो है वो डेज में कैलकुलेट नहीं करते। तो हम आपको एक ऐसा वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि उस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आप अपना फिक्स डिपॉजिट को है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डेज में। तो वेबसाइट का नाम है मनी कंट्रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं moneycontrol.com पर आपको जाना है। इस वेबसाइट का आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, आप जितना भी आपको यहाँ पर जो अमाउंट है, जितना का भी आप FD करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उस अमाउंट पर कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, उस अमाउंट को यहाँ पर डालना है प्रिंसिपल अमाउंट में। मान के चलिए हमको जानना है कि 1 लाख में जो है यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो हम लोग जो है यहाँ पर 1 लाख डालेंगे। अब ये हो चुका है 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है, क्योंकि हम यहाँ पर 400 दिन वाला खास तौर पर जो है, क्योंकि यही एक स्पेशल FD है जिसमें आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी अगर आप 1 साल का करवाते हैं तो उसमें आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि काफ़ी लो है। उसके बाद अगर आप जो है 2 साल से 3 साल के बीच में जाते हैं तब जाकर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो 400 दिन है ये करीब जो होता है 1 साल 1 महीना होता है। तो 400 दिन वाले FD में आपको जो है 1 साल 1 महीने का आपको FD करना है, जिसमें आपको जो है 7.1% का जो है ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड जो होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी कि हर 3 महीने पर आपको जो है उस इंटरेस्ट पर एक इंटरेस्ट ऐड किया जाता है। तो किस तरह से आपको यहाँ पर कितना अमाउंट पर जो है कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो जानेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में जो है हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 1 लाख। फिर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने डाला है यहाँ पर 7.1%, क्योंकि जो है जो 400 दिन वाला है उसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। फिर आपको यहाँ पर जो डेज है, क्योंकि डेज में हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर डेज का ऑप्शन मिलता है, 400 दिन हमने टाइप कर दिया है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब हमें क्लिक करना है कैलकुलेट पर। तो जैसे हमने क्लिक किया कैलकुलेट पर तो हमारा यहाँ पर जो अमाउंट आया है वो कुल मिलाकर 8,070 रुपया आया है। यानी कि अगर हम जो है 1 साल 1 महीना यानी कि 400 दिन वाले FD करते हैं और 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 8,070 रुपया का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप मान के चलिए लेट्स सपोज कि 5 लाख का करते हैं, तब यहाँ पर हमें जो है 40,040,088.94 पैसे का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि ये 40,000 से ऊपर हो चुका है। तो आपको यहाँ पर आप जो है 10% का जो है TDS भी जो है टैक्स देना होगा। अगर आप फॉर्म 15G भर देते हैं या फिर अगर आपका उम्र जो 60 साल के ऊपर है तो आपको फॉर्म 15H भरना होगा, तो फिर आपको जो है वो TDS भी नहीं कटेगा। ले सपोज़ क्या मान के चलिए आपको वो फॉर्म भी नहीं भरना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको घटा देना होगा, जिससे जो है इसका जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो 40,000 के नीचे चलाना चाहिए। अगर 40,000 के नीचे होता है तो फिर आपको कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कर लेते हैं ले सपोज 4,95,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो रहा है 39,688। तो यहाँ पर हमारा जो है इंटरेस्ट है वो 40,000 से नीचे है, तो यहाँ पर हमें जो है कोई भी TDS नहीं कटेगा, नो TDS, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहे आप कोई भी बैंक में आपको FD खुलवाना है तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा वेबसाइट है। आपको जो है यहाँ पर डेज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है कितने दिनों में जो है आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा।